आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। गोपीगंज के जमनपुर गांव में पानी निकासी की व्यवस्था न होने से लोगों के घरों से निकला पानी रास्ते और सड़क पर फैलने लगा है, जिससे लोगों को मुश्किल हो रही है। फिसलकर लोग रास्ते में गिर रहे हैं, कीचड़ भी हर तरफ नजर आ रही है। वाराणसी प्रयागराज रेलखंड पर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित विकासखंड ज्ञानपुर के कठौता ग्राम सभा से जुड़े इस गांव में नाली आदि का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन नाली के रास्ते गंदा पानी गांव से बाहर नहीं निकल रहा है और वापस लोगों के घरों में और सड़कों पर बह रहा है, जिससे कि लोगों का निकलना गाड़ी चलाना भी दूभर है। लोग गिरते हैं और चोटिल होते हैं। लोगों का कहना है कि काफी परेशानी हो रही है, नाली का पानी बाहर निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। भदोही से समीर वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? मनीष मिश्रा। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है भाई, गांव में इतर, ये देखो गटर, देखो इधर गटर का पानी इतना भरा हुआ है कि स्कूल के बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते। एक ही विकल्प है रास्ता स्कूल जाने का, मार्केट भी जाना हो तो यही रास्ता है, और स्कूल जाना है बच्चों को तो यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और इधर इतना पानी भरा पड़ा है, कल दो औरत गिर गए, न बच्चे आ जा पा रहे हैं स्कूल, गोदी में उठा के स्कूल लेके जाना पड़ रहा है रास्ता पार करने के लिए। दर्शन करे भक्तों, अरे हजार लोग आते हैं, चारों तरफ से ये रास्ता है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।